दुपट्टे वगैरह जो है वो पीको वगैरह करवाने हैं, ये देखे छोटा मोटा काम भी है। अच्छा के हार कांटा गेंसो। अच्छा शादी है ना। हाँ हाँ पहनेंगे, शोह बनाएंगे। लेकिन पिछली दफा लिया था वो, एक दफा भी नहीं, मैंने नहीं लिया था, हार कांटा कहना ही था पहना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल के साथ ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। जी अम्मी हम भी ठीक है, घर वाले भी सब ठीक है, जो बीमार अल्लाह पाक ने कुछ कहा था, पर मैं जो औलाद अल्लाह पाक ने तुम्हें सले औलाद है, तो महसूस यहाँ पर मेरी बेटी जो ना रेडी हो गई है, जैसे अक्सर सुबह सुबह उठ के सुरमा भी पहन लिया है, टिक्का भी लगा लिया है, सलाम करो, जूता भी तो है, अभी जूता भी पहन लिया है। हाँ अक्सर ने जूता भी पहन लिया है, आप खेलो मैं काम करूँ, अभी जो मैं बिस्तर वगैरह लपेटती हूँ, मम्मा बिस्तर ना मैं लेटू काम करूँ, आप खेलो मैं काम करती हूँ, चलो आप कंघा दो, बिस्तर वगैरह लपेटते हैं तो फिर जो ना बाद में सुबह के टाइम में काम वगैरह शुरू करते हैं। हाँ क्या कह रही है? वो कहते हैं मुझे आप उठाओ कंघा वगैरह दिलवाओ दोबारा। कल जाना मैंने मशीन लगाई थी, कंबल वगैरह सारे धो दिए थे और कपड़े भी सारे धो दिए थे, वैसे कंबल वैसे कल बारिश के मौसम भी था, बारिश बरस रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, फिर भी ये हमारा जाना ये पहनने वाला खेत सूख गए हैं, ये कुछ वो है ना धागे वाले तो ये जल्दी सूख जाते हैं। वाह जीवा रुकिया क्या कर रही हो? बर्तन वगैरह धो रही हो? गुड हो गया जी, रुकिया सुबह सुबह जो है यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही है, ये देखे धोकर सारे बर्तन जो है स्टैंड में रख दिए हैं, और इधर देखे सफाई देखे सारी, गुड हो गया जी, और बेसन भी धो दिया है ये देखे। हथौड़ा भी लपेट लिया है, उसको भी अंदर रख देते हैं, क्योंकि चारपाई पे पड़े रहते हैं ना, फिर ऊपर नीचे बैठते उठते सारा दिन पर वो जना इकट्ठे होते हैं ना, जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये जना लपेट के साइड पर रख, सुबह जना मैं लपेट के एक साइड पर रख देती हूँ, शाम को बिछा देती हूँ। बिस्तर वगैरह जना लपेटते हैं, अभी जना किचन में पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पे इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हूँ, ठंडे टाइम जब गर्मी जब भी होती रहती है हमारा सांस घुटता रहता है, फिर गर्मी में बिल्कुल काम नहीं होता। हाँ अम्मी होती थी आपके साथ। हाँ। रोटी वगैरह बनवा लेती थी जी, कुछ काम हम बांट के कर लेते थे, जल्दी हो जाता था, कोई काम मम्मी कर लेती कोई मैं कर लेती थी, फिर जल्दी हो जाता था, अभी रुके तो रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आता, आटा गूंदना भी नहीं आता, सागा बनाना भी नहीं आता, फिर मैं अकेली होगी ना तो मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए आप चार पाई पे बैठ कर आटा गूंदा करो, ऐसे पाँव के बगैर नहीं बैठा करो, ठीक है? हाँ। जैसे पाँव के बाद बैठ के हो चार पाई के ऊपर बैठ के पलथरी मार के फिर आटा गूंदा करो, ठीक है? वैसे मैं चार पाई पे अक्सर तो बैठ के आटा गूंदती हूँ, नीचे भी सीधे जगह पे बैठ जाओ, वैसे तो सिफारिश है वैसे सुबह ना रोटी नहीं खाई जाती, गर्मी होती है ना, शाम को डट के क्योंकि गर्मी आ गई है ना, अभी ज्यादा रोटी अच्छी नहीं लगती गर्मी में, पानी डाल लो एहतियात से इधर दिखाओ, खड़ा
ऐसे किया जो है स्वच्छ निकाल रही थी पंखे का। बेचारी के हाथ थोड़ा कांपते हैं तो फिर मैंने कहा बिजली है फिर ये ना हो लग जाए। और ऐसा जो है वो आटा चुनाई कर लिया है तो अभी गूंदना स्टार्ट कर रही। अक्सा कहाँ चली गई? नानी के घर चली गई। सुबह सुबह कह रही थी मुझे रेडी करवाओ मैं बुसरा के साथ खेलने जाती हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाती, मुझे तैयार करवाओ जूता पहनाओ फिर जाऊंगी मैं। अच्छा। फिर सुबह सुबह उसको मैं हाथ मुंह धुलवाया साबुन के साथ, फिर बॉर्डर वगैरह लगवाया, कपड़े ड्रेस चेंज किया, फिर जूता लेके आ गया। एक जूता लेके आई फिर कहते हैं दूसरा वो फूफो ले गई है। फूफो किचन में ठहरी है वो जूता नहीं ले गया आपका ये बाहर पड़ा होगा। कहते नहीं फूफो के पास है, देख रही थी उसको। बहुत कहते रोजाना तो दादी होती थी किचन में, आज फूफो गई हुई है खाना खा जाएगी। अक्सर वो रुके के पीछे रहते हो, कहते मेरा खाना जाना रुके खा जाएगी। उसको कोई चीज खाने भी दे देते रुकिया को। हाँ। कोई चीज लेके आए फिर उससे छीन लेती है। छोटी बच्ची है ना, जब सियानी हो जाएगी फिर उसे पता चल जाएगा ये भी मेरी फूफी है। नहीं वो रुकिया के साथ वैसे झगड़ती है। हाँ। उस दिन शहीना आई हुई थी ना, उस दिन क्या कह रहे थे शहीना मेरी बुआ नहीं है ये बुआ। हमने कहा आपकी बुआ कहाँ है? कहते ये रुकिया बैठी है। मैंने कहा ये भी आपकी बुआ है? कहते नहीं ये रुकिया बुआ है। हाँ रुकिया हर टाइम उसके साथ होती है ना। तो पता चलता है अभी बुआ कौन है दादी कौन है। कल कैसे वो अम्मी गोला बना रही थी, कहते मुझे दादी मुझे गोला चाहिए। फिर गई चीन के ले आई, मीठा पान बना रही थी शरबत वाला। ये कैसे उठाया हुआ है ऐसा? क्या क्या उठाए? गूहे हैं। अच्छा गूहे उठाए हुए। हाँ। अच्छा। तंदूर जलाना है ना, ये वैसे घर में रखे थे, फिर कुछ जना टूटे हुए हैं गूहे, कुछ कचोर है ना। मैंने कहीं से ऐसा जना नहीं चाहिए बिस्तर तो जो सारा कचरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो इसलिए मैंने बोरे में उठा लिया है। चलो अच्छा किया। अभी आटा वगैरह गूंद लिया है मैंने, चार पाइयां ये सारी जो है वो कमरे में डाल दी है। अच्छा आपने अभी रोटी बनानी है? तंदूर फारेक पड़ा हुआ है, आज हवा भी नहीं है, धूप कैसे निकल रही है। धूप धूप बहुत ज्यादा निकल रही है आज, इसलिए चले आते गज्जा हुआ है तंदूर तभी से ना। तंदूर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाना? ठीक हो? तबीयत ठीक है चलो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आटा मैंने अच्छा खासा गूंद लिया, तंदूर भी हमारा लाल हो चुका था और रोटी भी मैंने बना के रख दिया है। तो अभी जो ना मैंने सोचा पहले लस्सी बना लूँ, क्योंकि नाश्ते के साथ लस्सी अच्छी लगती है। तो दही भी साथ ले आए हैं, मैंने जो है ना लस्सी बनाना स्टार्ट कर रही है। देखिए दही भी ऐड कर दिया बाल्टी में और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अभी जो ना इसको घुमाते हैं मंधानी को, तो लस्सी हमारी अच्छी खासी बन जाए तो फिर जो ना हम नाश्ता करेंगे। हाँ आज जो ना शायद साहब जी ना थोड़ी देर के लिए काम गए हुए हैं बाहर, तो वो जो ना आ जाते हैं तो सारा भी हम गर्म करते हैं और जो ना खाना वगैरह भी जो ना पकाते हैं। क्योंकि रात जो ना हम बनाए थे मसरूफ की दाल वो भी मंदड़े वाले और हरी मिर्चे वाले थे, बहुत ही टेस्टी थी। जिस बहन भाई ने खाना है आपके मेरे साथ खा सकते, क्योंकि हमारी दाल अभी भी रखी हुई है। अभी जो ना हम नाश्ते में जो ना दाल और थोड़ी सी सलाद भी बनाएंगे प्याज की और जो ना लस्सी भी बना रहे हैं माशाल्लाह से, अच्छा खासा हमारा जो है नाश्ता रेडी है। तो हम जो है खाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसने खाना है आके हमारे साथ खा। अल्हम्दुलिल्लाह जी छह सात जना काम से वापस आ गए हैं। तो अभी जना मैं काम क्या था काम भी बताता हूँ। नहीं थोड़ा सा काम था बाहर गए थे ना। हाँ वो जो है शादी का कार्ड आया हुआ था। अच्छा पीछे गांव में शादी है एक। हाँ। एक क्या तीन चार शादियाँ हैं। हाँ शादी पे तो जाना है। हाँ अपने है ना, तो वो शादी का कार्ड देने आए हुए थे लड़के। अच्छा हाँ जी उन्होंने बुलाया था। अच्छा। तो गांव में जो है शादियां हैं तीन जो है एक साथ जो है तीन लड़कों की तीन दूल्हे वो एक साथ शादी हो रही है। अच्छा। एक तो मुंशी भाई की है उसको तो पता है। हाँ। बहन भाइयों को सबको पता है जी। और एक शादी जो है वो कहां है, कहां? और शादी भी है एक जी। चाचू नाजक नहीं थे हमारे पड़ोसी। हाँ। उसका बेटा छोटा। हाँ। उसकी भी शादी है चाचू नाजक छोटा। हाँ वो सुल्तान। हाँ उसकी शादी तेरे यार। हाँ उसकी भी शादी है। हाँ मेरा दोस्त की शादी है। अच्छा। हाँ तो वो सारे आए हुए थे शादी के कार्ड देने। अच्छा
हाँ तो उनकी बातें सुन रहा था ना मैं उनका, हमने कहा चलो देखेंगे हाँ। सही है। मैंने कहा ऐशा तो सफर पे नहीं जा सकती। अच्छा। तो इसलिए वो घर में बड़ी मुश्किल से जो है चलती फिरती है, तो इतना सफर कैसे करेगी। सही, अलीपुर कैसे जा सकती है? चार सेवेन से। मेरे अब्बे की कार खड़ी हुई इधर। अच्छा, और फिर क्या था? मेरे अब्बे की गद्दा रेडी है, कार्ड दे के गए हैं। हाँ। फिर सोचा क्या है, जाना है नहीं जाना? यार वो सिर्फ मुंशी भाई की शादी पे जाएंगे बस। हम तो मुंशी की शादी पे जाएंगे बस, और इतनी शादियां हमसे अफोर्ड नहीं होती, पता है आपको। पहले होता था, अभी घर का किराया है, घर का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है, 30,000 बिल आया हुआ है, बिजली के बिल की हुई है 15,000 मामू का, 15,000 हमारा। तो अभी किराया भी आ गया है, आज 22 तारीख है, 8 दिन है, किराया भी देना है। मुझे तो ये बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। साथ भरेंगे ना उसको, मैं दूंगा तो वो भरेगा ना। ऐसे वो मुझे बता रहा था 24 तारीख आखिरी डेट है, आपने 23 को दे देना है शाम को। मैंने कहा चलो देखते हैं कहीं से रम्मल मारते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई दे देगा उधारे, या नहीं देगा तो पता नहीं है, चलो फिर जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा अगले माह। हाँ, अल्लाह पाक कहीं से वसीला बनाएगा, फिर बिल भी भरेंगे, किराया भी देंगे। तो माशाल्लाह जी इधर दाल जो है वो गर्म हो रही है, थोड़ा सा सालन इसकी अम्मी ने दिया था रात, बीफ का वो भी रखा हुआ है। क्या हो गया, क्या हो गया अचानक से आप लोगों को? हाँ मामू, दही लेनी थी? दही लेंगे। अच्छा, बर्तन जरूरत है कोई? रुकिया कोई बर्तन दो मामू को, वो लस्सी बना रहे हैं। ये वाला बर्तन दे रही हो, इसमें लस्सी बनाएंगे? नहीं, कोई बर्तन दो। प्याज यार वो कड़वे हैं, सिर्फ सालन के लिए रखे हुए हैं, आपको पता है। फिर जैसे आपने बनाना है खाना है आपने, तो आप अपने लिए बना लो, हम नहीं खाएंगे। अच्छा, गर्म हो गई चीज़ें, रोटी खानी है, नाश्ता करना है आपने? क्या बनाया, भिंडी? अभी भिंडी बना रहे हैं, कितनी देर है? देख के आओ, अगर देर नहीं हो बनी हुई तो फिर हम, मेरे लिए ले आओ थोड़ी सी ना, हमारा सालन थोड़ा कम है, चलो एक बंदा खा लेगा। यार अक्सर तो आप क्या कर रही हो, आपने सारे पैर जो है काले काले किए हुए हैं, ये देखो अपनी हालत तो देखो हैं। क्या ये वाला है? पानी। ये खाली है बोतलें, अभी बाबा आपके जाएंगे भर के आएंगे ये बड़े वाला गैलन, फिर पानी पियेंगे, ठीक है? ये सारी बोतलें खाली रखी हुई हैं। खाना खाओगी? नहीं। खाना नहीं खाना, दूध पिया है आज? दूध पिया है, हैं? आ जाओ रोटी खाएं, आ जाओ, ये रख दो बोतल वहां पे रख दो उधर, आ जाओ। हाँ रुक गया, सामान वगैरह रेडी करो बेटा, खाना वगैरह खाएं, लस्सी वगैरह बन गई है, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। अबू आपने नाश्ता करना है? आ जाओ फिर नाश्ता करते हैं, सारी चीजें रेडी है, आ जाओ। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, साथ भी पहुँच गया। क्या दाल? हाँ थोड़ी थोड़ी जितनी है वो रोटी पे रख दो, साथ लस्सी का गिलास भी देती जाओ। अब्बू की अलग अलहदा निकालिया आप लोगों ने हैं? हाँ अब्बू की मीठी बनाना, क्योंकि अब्बू आप बस अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किया। चलें जी अभी नाश्ता की तैयारी कर रहे हैं, और नाश्ता बन भी गया है, अभी फिलहाल हम कर रहे हैं नाश्ता। अगर किसी बहन भाई ने नाश्ता करना है आ जाएं, मोस्ट वेलकम। हम तो भाई नाश्ता कर रहे हैं, हमें जो है काफ़ी सारी भूख लगी हुई है। क्या पकाए हुए? पकाए हुए कौन? मन्ना पका के आ गई हमें। ओह लाइट चली गई? हाँ ये देखो लाइट चली गई। ओह अभी गर्मी हो गई है, चलें ऐसा दो नाश्ता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें जी ये देखें जी
नाश्ता भी फिर देना शुरू कर रही है ऐशा जी। अम्मी तो फूफो के घर है, वो उधर नाश्ता करेगी अपना है ना। आपकी छोटी सिस्टर को मैंने कहा कि आपकी अम्मी बना रही थी भिंडिया, देख के आओ, अगर उसने बना लिया है तो थोड़ी सी ले आओ, मैं फिर उसके साथ नाश्ता कर लूँगा भिंडियों के साथ ना, आप लोग फिर दाल से कर लेना। दाल है अक्सा बोल रही है, अक्सा बोल रही है दाल है मेरे लिए। हाँ बेटा दाल लाके खावने, दाल खावने। अच्छा साद अबू जान को बुलाओ, फिर खाए रोटी। हाँ सबको दो ना, अबू आ गए हैं, आ जाए अबू बैठे नाश्ता करें, उनका गिलास भी दे दो, उनकी लस्सी भी दे दो, सारी चीजें दे दो। बुआ पानी ले, बुआ को दे रही थी, बुआ को लस्सी पानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह जो है हमने खा लिया है, तो अभी जो है हम रवाना हो चुके हैं बाजार की तरफ। तो हम बाजार क्यों जा रहे हैं, हम जो है जा रहे हैं कि दुपट्टे वगैरह जो है वो पीको वगैरह करवाने हैं, ये देखें। हाँ, कि छोटे मोटे काम भी हैं। अच्छा हाँ, कि हार कांटा गेंदों। अच्छा शादी है ना। हाँ हाँ, फिर पहनेंगे, शो बनाएंगे। लेकिन पिछली दफा लिया था वो, एक दफा भी नहीं, मैंने नहीं लिया था हार कांटे का ना। हाँ क्या लिया था? मैं सिर्फ लिया था कांटे लिए थे ना, आप कह रही थी लिपस्टिक लिया था। हाँ बता रही हूँ ना, सुनो पहले। हाँ बताओ। और एक चूड़े का मुठ्ठा लिया था अपना, एक अक्सा बेटी का। सही, वो तो करूर वाला था, टूट गया था। सही, एक पता एकदम कैच रहे ना अक्सा का। अच्छा, और लिया था अक्सा की एक छोटी पहुंची। सही, ब्याह क्या गया हम आए, एक कैचर लिया था। अच्छा, वो तो शादी पे गए थे और डिजाइन बनाने वाली पार्लर वाली ने मेरा कैचर रख दिया था। उसने कहा ये सोना है, ये यहाँ पे रख दो। अच्छा, मैंने कहा चलो ये आप रख लो, मैं और ले लूंगी। सही, मुझे और कैंसर लेना पड़ा अभी। सही हाँ। चलो खैर है, अभी जा रहे हैं फिर और कैंसर ले लेंगे। अच्छा हाँ। और मामी जो है वो तहर खान जो है वहाँ काम करता है दर्जी का, उसका जी। खाना भी नाश्ता भी साथ लेके जा रही है। हाँ, वो सुबह नाश्ता करके नहीं गया ना। हाँ, और दोपहर की रोटी भी साथ में होती है, नाश्ता तो करके गया क्योंकि मैं चाय बना रही थी, उन्होंने कहा चाय मैं नहीं पीता। अच्छा, तो गर्मी में चाहे पी नहीं जाते, हम नहीं पीते, छोड़ के एक प्याली पी के फिर चला गया। अकरम खान क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है, आ गए हो वापस? अच्छा सही, चलो हम टेंशन नहीं लो, आपके घर नहीं जा रहे नहीं, वो बाजार जा रहे थे, थोड़ा सा काम था। हाँ फिर उधर जा रहे थे। मैंने क्या कहा कि मेरे घर ना नहीं नहीं मजाक कर रहा था, वैसे मैंने कहा कि आप पूछ रहे हैं कि आप हमारे घर तो नहीं जा रहे, आप कहीं काम जा रहे थे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, तबीयत ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक का करम। दादी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो क्या था, वो फरमान साहब था, उन्होंने कोई कार्ड वगैरह देने थे शादी के। अच्छा, फिर उसके मुंशी के भी और इसके भी, दोनों है ना। हाँ हाँ, दोनों की शादी है। हाँ दे आए हो कार्ड वगैरह, हमने कहा शायद आप अभी उधर ही हो। नहीं वो तो हम उस दिन ही गए थे, उस दिन वापस आ गए थे। अच्छा, यानी कि सुबह इधर से 11-12। अच्छा, वो कार्ड देने आए थे, वो भी वो क्या नाम है, मुजीब लोग हबीब और मुजीब आए हुए थे। अच्छा, आप ही घर आए हैं? पता नहीं, इधर था, मुझे बताया था, उसको एड्रेस दिया था, कह रहे थे फिर ऐसे जाएंगे, पहुंचे के नहीं पहुंचे पता नहीं। मैं तो फिर सुबह का इसको लेके गया था। हाँ, अभी उसको छोड़ा है, वो जा रहा है, वो देख सामने। अच्छा हाँ, वो सामने अभी 1 बजे उन्होंने जाना है घर आज। अभी कहता है इधर वाले जो साथ वाले घर है किसी को नहीं दिया है। हाँ अभी देंगे सबको, देगा फिर जो है ना। चलो खैर आ जाए, घर चलते हैं, चलते हैं। शादी पे जा रहे हो सब लोग? किस शादी पे? शादियाँ बहुत है, कोई समझ नहीं आ रही, शादी पे समझ नहीं आ रही है। एक तो एक दो दिन तक अभी आ रही है। हाँ ये वाली। हाँ इधर इधर भी सागर जाना तो पड़ेगा। हाँ फिर देखेंगे के
इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, साफ जा रहे अभी ना जाने से तो कुछ नहीं बनेगा, सही जाना तो पड़ेगा। हाँ जी हाँ तैयारी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये है कि जाए पहले ना जाए लास्ट आखिर में जाए। हाँ हाँ जाना पड़ेगा सही, लेकिन वो देते हैं हिसाब लगाएंगे अभी। हाँ जी चले जी, अभी जो है चल रहे हैं हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, तो अभी जो है हम जा रहे थे तो अकरम भाई आ गए हैं, उन्होंने कहा हमारे घर चलो, लेकिन हम तो जा रहे हैं अपने काम से बाजार, हम अपना काम तो मुकम्मल करें पहले। हाँ। हमारा जो काम है वो तो मुकम्मल करें पहले। हाँ। फिर गर्मी भी आज बढ़ रही है, लेकिन बादल थोड़े थोड़े बने हुए हैं आसमान पे, कल से ज्यादा ना, कल का माहौल वीआईपी था, ऐसा कह रही थी ऐसा मौसम हो फिर कहीं बंदा बाहर जाए, ख्याल से वो शाम गए थे ना, कोई टेंशन ना, थकान कोई कुछ हुआ है नहीं, ठंडा टाइम था ना, माहौल भी है अभी था अच्छा माहौल था, पता नहीं चला। हाँ दिन जो ठंडा था हम भी उठ के भाग गए। रोजाना तो बैठी थी और आपका मामू कह रहा था जो नमाज का टाइम हो गया, मैंने कहा इतना जल्दी। अभी जो है हम पहुंच गए हैं जेठा पुट्ठा जो है स्टेशन पर, ये सामने जो है जेठा पुट्ठा का स्टेशन है, और हम जो है ऐसा ऐसा जा रहे हैं, वो सामने जो बड़ी इमारत नज़र आ रही है वहाँ पे जो है इस उससे पहले जो है इधर एक गली है उसमें बाजार है ना। ट्रेन पे खानपुर से क्यों बैठते हैं, ये तो बैठने की जगह ये ख़त्म हो गई, पहले होता था ये स्टेशन,